इमर्जिंग एशिया कप में कल ओमान के मैच खेलने के बाद आज जो दो और एशियाई टीम्स थी यूएई और नेपाल, उन दोनों के मैचेस कहीं ना कहीं आज हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट के तौर पर कहें तो ओमान ने पहले मैच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट इस लिहाज से क्योंकि उनकी उनके जो काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स थे वो टीम में मौजूद थे। ए साइड ज़रूर खेल रही है लेकिन उनके काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स उनके मौजूद थे, जो अभी इतना बड़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट भी खेल के आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग क्योंकि उन्होंने लगातार 3-4 सालों से खेला है, उस लिहाज से उन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया। वहीं पर अगर हमने चले आज की तरफ तो आज अगर हम देखें तो यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में इंप्रेसिव रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चीज़ें हैं वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही लेकर जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर नेपाल वर्सेज पाकिस्तान गेम की, तो नेपाल ने सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही फैसला था क्योंकि इस ग्राउंड पर डेफिनेटली आप अगर वेदर कंडीशंस को अलग हटा कर अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना काफ़ी बेहतर था, क्योंकि सेकंड हाफ में जो है पिच रफ होनी चालू हो जाती है और कहीं ना कहीं बॉलर जो है और रन्स निकाल पाना उस पिच पे इतना आसान भी नहीं होता, जो हमने कल ओमान के मैच में भी देखा और आज भी कहीं ना कहीं हमें वो देखने को जरूर मिला है। तो टॉस बिल्कुल सही था, टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेना, लेकिन बैटिंग में जो परफॉर्मेंस हुई है उसकी बात जरूर करेंगे। सबसे पहले दो ही फेस में गेम कंप्लीट हुआ नेपाल का, लेकिन वो फेस बाय फेस कैसा रहा? नहीं जरूर देखिए, 1-10 ओवर में 43 रन बनाए, 6 विकेट नेपाल ने गवाए, और वहीं दूसरे फेस में 11-40 ओवर में टीम 37 ओवर तक जी हां ऑल आउट हो गई, और लेकिन इस बीच 11-40 ओवर के बीच में 136 रन टीम ने बनाए और 4 विकेट यहां पर टीम और गवा दिया और टीम जो है 179 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई 37 ओवर पूरे खेल कर यहां पर, और इसी बीच 121 डॉट बॉल भी टीम ने यहाँ खेल दी। बिल्कुल, तो ये बात होगी फेस बाय फेस की। अब जरा बैटिंग एनालिसिस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए बैटिंग कार्ड सामने पुट ऑन कर देते हैं, उसके बाद बैटिंग एनालिसिस शुरू करें। तो बैटिंग कार्ड जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुशल बुर्तल की बात करें तो सबसे पहला जो विकेट गिरा यहाँ पर डेफिनेटली कुशल बुर्तल का गिरा, और ये बिल्कुल वैसा ही विकेट था जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुशल बुर्तल आउट हुए। बिल्कुल, अजहर यूसुफ की जो बॉल अंदर आई और बिल्कुल लगभग सेम वही बॉल और क्लीन बोल्ड होते हुए चले गए, बैट और पैट का गैप वापस से उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो गए, और पेस भी डेफिनेटली जबरदस्त थी उस बॉल में, शुरू में काफी मूवमेंट मिल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया और आप कहते हैं डिफेंस भेज दिया कुशल बुर्तल का, अगर हम देखें पाकिस्तान के बॉलर ने। तो वही गलती जो वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी वही चीज दोबारा यहाँ पर रिपीट हुई। अगर आप एक ही तरह से दो बार तीन बार लगातार कुछ ही वक्त वक्त में आउट हो रहे हैं डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इसमें नोट डाउन करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर आप ये सोचेंगे कि पेस काफी ज्यादा है वगैरह, अभी आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर से इवेंट पर खेल कर आए और उसके बाद, और खास करके मैं उन प्लेयर्स की हम यहाँ पर बात ज्यादा करेंगे जो लगातार टीम के साथ काफी वक्त से खेल रहे हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं जो नए आए हैं उनके बारे में उतनी ज्यादा बात हम मतलब उन पर उतना ज्यादा हार्श नहीं हो सकते हम, लेकिन जो जो खुद 1,000 रन हो चुके हैं, जिनके 1,500 ओडीआई रन हो चुके हैं, जो लगातार टीम के साथ मैचेस खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से इवेंट पे फर्स्ट प्रायोरिटी थे टीम की, उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर कहना होगा कुशल बुर्तल जो है फिर से उन्होंने बैट और पैट के बीच में गैप, लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बार बार ये भूल जा रहे हैं कि बॉलर जो है शुरू के फेस में सिर्फ आपको बाहर ही टीज नहीं करेगा, वो आपको अंदर भी ला सकता है। ये कुशल बुर्तल को माइंड में रखने की जरूरत है, आप बाहर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि चौथे पांचवें स्टंप पे आएगी लेकिन बॉल अंदर भी आ सकती है, ये कुशल को कहने के ध्यान में रखने की जरूरत है, जो गलतियां लगातार अब हो रही है। उसके बाद आसिफ शेख जो आउट हुए उसमें आपको सबसे बड़ा रीजन किस तरह का नजर आया? नहीं जरूर देखिए, अगर उस उनकी बात करें आसिफ की तो जरूर उन्होंने जो लास्ट तक उन्होंने बॉल को देखा नहीं और बॉल से बहुत जल्दी उन्होंने नजरें हटा ली और खेलना एकदम सही चाहते थे कि शायद वो फाइन लेग या डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारना चाहते थे या एक रन लेना चाहते थे या बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एट द मोमेंट एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने अपनी नजरें हटा ली, और जब आप अपनी आँखें हटा लेंगे तब आप जरूर आप कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होने ही वाला है। जी हाँ, आप कहीं बॉल को मारना कहीं और चाहेंगे लेकिन बॉल चली कहीं और जाएगी। लास्ट तक अगर आप देखेंगे जैसा आसिफ खुद बाकी बॉलों में कर भी रहे थे तब वो बाउंड्रीज भी गई हैं, जैसे कि उन्होंने एक सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला था डाउन द ग्राउंड, वो काबिले तारीफ शॉट था, बहुत अच्छा शॉट लगाया वो, लास्ट तक उन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले ही वो शॉट खेल दिया, बॉल से नजरें हटा ली। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा आसिफ का भी। उसके बाद बात करें रोहित पुड़ैल, रोहित पुड़ैल का तो कह सकते हैं आप कि वन ऑफ द वर्स्ट शॉट था इस पूरे अगर हम लिस्ट में देखें आज की, अगर बॉल का सबसे खराब डिलीवरीज थी वो एक तरह से आउट होने की, चौथे पांचवें आप छठे स्टंप पर लेग साइड पर चौथे या पांचवें स्टंप वो क्लियरली वाइड होती अगर वो उस पर बैट नहीं लगता, और डेफिनेटली वो चेस करने के लिए गए और एज लगा और एक बेहतरीन कैच जो है विकेट कीपर ने पकड़ा। रोहित पुड़ैल का खराब फॉर्म लगातार जारी है, जैसे हमने आपके सामने रखा भी था कि शायद कैप्टन का जो प्रेशर है उसकी वजह से उनकी जो फॉर्म है वो लगातार जारी है, लेकिन यही बात है जब आप कोई भी रोल में हो आपको रन्स तो अपनी टीम के लिए करने जरूर जरूर। और कुशल आसिफ और रोहित पे ये सब नहीं चलेगा कि
अलग कंडीशन है, पेस है, वो लर्न करेंगे। जैसे हमने पहले कहा कि क्योंकि आप तीनों तो डेफिनेटली बहुत लंबे वक्त से टीम के साथ खेल रहे हैं, इतना बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू आपका निकल गया, वही चीज़ें हो गई। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी यही कहेंगे हम लर्न कर रहे थे, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर लर्न उन लड़कों के लिए स्पेसिफिकली है जो नए लड़के आए हैं, बिल्कुल अगर आप भी वही चीज़ें दोबारा गलती करेंगे उसी तरह से आउट होंगे जिस तरह से आप अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आउट होकर गए हैं ये सारे प्लेयर्स, तो फिर आपने क्या सीखा वहाँ से यहाँ तक आने तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मान के चलिए कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ पेस बहुत ज़्यादा है, इतनी पेस खेलने की प्लेयर्स आती नहीं, तो वो आती होंगे कब, क्योंकि ये सब तो आपके आपको इवेंट्स मिले हैं रास्ते में, बिल्कुल आपने अर्न किए हैं, लेकिन ये रास्ते में मिल रहे हैं आप जैसे जैसे जा रहे हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर आप पहुंचे, उसके बाद आपको इमर्जिंग कप मिला, अब इसके बाद क्या, अब मान के चलिए यहाँ पर आप इन बॉल्स के खिलाफ खेल रहे हैं, आगे जाकर तो आपको नसीम, शाइन, हारिस, उसके बाद शमी वगैरह इन सबकी बॉलिंग, सिराज, इन लोगों की बॉलिंग का सामना करना है एशिया कप में, तो आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर पेस है तो वहाँ तो इससे ज़्यादा शायद पेस हो, तो इस अगर पेस होगी, पेस बहुत ज़्यादा इतने खेलने के आदि, तो आदि बनेंगे कैसे, वो डेफिनेटली अवे गेम्स खेल खेल कर बनेंगे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है उस चीज़ पर ध्यान देता ही नहीं है, वो हमेशा एक सीरीज के बाद एक आवाज़ उठती ज़रूर है, वो हमेशा लेकिन दबी जाती है कि प्लेयर जो है बाहर जाकर खेले, बाहर कंडीशंस में खेले, पेस कहीं ना कहीं खेलना सीखे, वो हमें देखने को मिलता ही नहीं है, वही घूम फिर के ट्यू में कोई एक सीरीज़ वगैरह हो जाती है, फिर 10-15 दिन का कैंप लग जाता है, या फिर आसपास कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर जाने का कोई खास फ़ायदा होता भी नहीं है। आगे पेस के लड़के आदि होंगे कैसे, अब इमर्जिंग कप के बाद फिर लड़कों को बैठ जाना है, अब इमर्जिंग कप के बाद एशिया कप में वक्त, इस बीच में अगस्त में कोई बेहतरीन अवे टूर हो जहां पर एक हार्ड टेस्ट हो प्लेयर्स का, तब जाकर कुछ ना कुछ तैयारी उसकी हो सकती है। सिर्फ ये कह देना कि नहीं पेस बहुत ज्यादा है, पेस झेल नहीं पा रहे, तो वो तो आगे भी नहीं झेल पाएंगे, फिर एशिया कप में कैसे झेलेंगे, फिर अगर T20 वर्ल्ड कप में गए तो वहां कैसे झेलेंगे, और अगर मान लीजिए ओडिया वर्ल्ड कप में पहुंच जाते तो वहां पर कैसे झेलते, तो ये सब चीजें देखने वाली बात है, चीज़ें अवे जी अवे गेम्स से आएंगी जो क्रिकेट बोर्ड कराने को तैयार रहते ही नहीं है। उसके बाद अर्जुन सौथ की अगर मैं बात करूँ, एंड प्लान में फंस गए, बिल्कुल इसी में इसी विकेट पर मैं थोड़ा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी उन्होंने दिखा दिया यहाँ पर कि वो एक पहले तो उन्होंने छक्का मारा, एक गया, सिक्स भी चला गया, अच्छी बात, शॉर्ट बॉल, लेकिन फिर वैसे ही जैसे छक्का गया था सेम एज वो फंस भी गए, बड़ी आसानी से उन्होंने अपना विकेट दे दिया। अब प्लेयर ने काफ़ी, अर्जुन साउथ ने भी जब एक अच्छा स्टार्ट मिला, आपको थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सा वक्त बिताइए पिच पर, आपके लिए काफ़ी लर्न करने की चीज़ें हैं, अर्जुन के लिए 50 ओवर का क्रिकेट है, आखिर बल्लेबाजों को किस बात की जल्दबाजी है ये समझ में नहीं आया, किस बात की इतनी जल्दबाजी है, ड्रेसिंग रूम शायद इतना पसंद आया हो कि बैठने के बड़े अच्छे इंतज़ाम है, वहाँ जल्दी जल्दी जाना है, ये थोड़ा सा अजीब लगा है। और अर्जुन सौद ने पूरी हेल्प की है इसमें, और बाकी बल्लेबाजों ने भी थोड़ा अजीब लगा कि इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी आपने एक छक्का मारा, टीम को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, चलिए आपने लग गया शॉट ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से आपने वही सेम शॉट फिर खेला और आप फंस गए। उसे बेवकूफ़ तरीके का क्रिकेट कहते हैं जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, जब ऊपर के बल्लेबाज ऐसा क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत हंसी आती है सामने वाली टीम को देखकर कि आपके मेन बल्लेबाज जब ऐसा खेल रहे हैं, थोड़ा सा हास्यपद क्रिकेट हो जाता है, मैंने ये ज़्यादा हिंदी बोल दी जी हाँ, काफ़ी फनी क्रिकेट हो जाता है जब ऊपर के बल्लेबाज इस तरीके से आउट हो। मैं बार बार कह रहा हूँ ऊपर के बल्लेबाज, शुरू के 3-4 बल्लेबाज के नाम में डेली क्रिकेट यहाँ इसलिए ले रहा है क्योंकि 3-4 बल्लेबाज में ऐसी क्वालिटी भरी रहती है हर टीम में, वो दुनिया की हर टीम पहले ये देख लेती है हमारे 3-4 बल्लेबाज ऊपर के ऐसे होने चाहिए जिनको गिराते गिराते टीम के 200-250 रन तो बन जाए, या फिर कम से कम 30-35 ओवर तो निकल ही जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारा जोर वो शुरू के 3-4 बल्लेबाजों पर लगा देते हैं। आप उठा कर देखिए दुनिया के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो 3-4 बल्लेबाज ही होंगे, चाहे सचिन सर को देख लीजिए, विराट को देख लीजिए, किसी को भी उठा कर रिकी पॉन्टिंग सर को देख लीजिए, तो पूरी टीम वही फोकस रखती है। लेकिन जब ऐसे प्लेयर ऊपर के बल्लेबाज इस तरीके का क्रिकेट खेलेंगे तो वाकई में हंसी आएगी, जरूर बनेगी। बिल्कुल, तो कुशल बुर्तैल, आसिफ शेख, और यहाँ पर अगर हम बात करें रोहित, अर्जुन हो, रोहित हो, भीम हो, जी हाँ, ये सारे प्लेयर जो है, भीम शार की भी जीरो पे आउट हो गए, और डेफिनेटली बॉल पड़ने के बाद करना की आदत नहीं। जी हाँ बिल्कुल, वही प्रॉब्लम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नजर आई थी वही एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी नजर आ रही है। अगर वहां से कुछ आपने लर्न किया तो यहाँ पर अप्लाई वो कहाँ हुआ, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं, वहां पर कहेंगे ये उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गए थे और बिजी अभी लगातार क्रिकेट खेले, वैसे नहीं कि हाँ काफी लंबे वक्त से घर बैठ गए हो, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, वही सेम रिपीटेटिव गलतियां, वही सेम जो मोहम्मद वसीम की जो बॉल पड़ी थी, वसीम जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉल पड़ी थी भीम शार्की को, वो क्लियरली नजर आता था कि ये बॉल पड़ने के बाद एंगल लेकर अंदर थोड़ी सी अंदर आ रही है, लेकिन भीम शार्की को लगा फिर से वही 4th-5th स्टंप पे बॉल जाएगी, उन्होंने बल्ला लगाया लेकिन उनका अंदरूनी किनारा लगा और कहीं ना कहीं स्टंप पे जाकर वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो यही सबसे बड़ी बात है, लोग प्लेयर्स को सिर्फ यही
लग रहा है कि चौथे पांचवें पे ही आएगी, लेकिन प्लेयर्स अंदर माने अंदर आते हुए बॉलों के लिए तैयारी नहीं है। वही कुशल गुर्तेल ने गलती की और वही भीम शार्की ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर डेलिकेट जरूर कहना चाहेगा, कोच सर जो है मोंटी देसाई सर जो है डेफिनेटली वो बैटिंग के लिए ज्यादा स्पेसिफिक जाते हैं, तो उनके रहते हुए डेफिनेटली इन चीजों पर ज्यादा काम होना चाहिए। इन चीज़ों पे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम डेलिवर पूरी उम्मीद है कि सही चीज़ें गौर कर रहे होंगे। एक ही तरीके से अगर बार बार आउट हो जाते उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल आप कुछ भी रोते रहे कि पेस बहुत था, ये था, वो था, या खेलने के आदि नहीं है, तो खेलने के आदि वैसे भी नहीं हो सकते, क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी भेजता ही नहीं है, जरूर वो वहीं पर वो मैचेस कराते रहेंगे, छोटे मोटे टूर होते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। क्रिकेट बोर्ड जब बहुत सीरियस होगा अभी गेम्स को लेकर तभी आदि होंगे, ऐसे तो फिर 2026 ले आए, 30 ले आए, तब भी प्लेयर्स आदि नहीं होंगे पेस खेलने को लेकर। तो पर जो शॉट्स खेले गए हैं वो शॉट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पैरों की मूवमेंट नहीं है। जो कमेंट्री कर रहे थे सर रोशन अभिषेक सर जो कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त, वो खुद कह रहे हैं कि शुरू के जो 3-4 बैट्समैन आउट हुए पैरों में कोई स्ट्राइड ही नहीं है, पैरों में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई प्लेयर आगे ही नहीं आ रहा, पैर ही अंदर नहीं हिला रहा, जब जमे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर, और उसके बाद रन की जो रोटेशन है वो तो खत्म ही हो गई है। जो एक रोटेशन होना चाहिए कि चलिए सिंगल्स ले, डबल्स ले, कोई नहीं, शुरू के 24 रनों में 20 रन तो बाउंड्रीज से। और एक चीज हमने ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान कही थी, जिन्होंने सुना होगा, बहुत ने सुना होगा जरूर, कि सिंगल्स बाउंड्रीज से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी हाँ, 50 ओवर, जी हाँ, 50 ओवर क्रिकेट में। और ये बात रोशन सर ने भी कही थी जब वो कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त की देख रहे हैं कि बाउंड्रीज लगा रहे हैं बैट्समैन, जो कि पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा प्लान है कि एक ही बल्लेबाज उनके सामने रहे, उनके बॉलर के सामने, और वो उसे टारगेट करें। लेकिन नेपाल के बैट्समैन इसमें फेल हो जा रहे हैं कि वो स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, एक बाउंड्री आ गया चलो ठीक है बाकी रोक रहे हैं, इससे ये वो समझ नहीं रहे कि उन पर प्रेशर बन रहा है, ये बॉलर्स की जीत हो रही है, आप एक सिंगल ले ही नहीं रहे, आप सिर्फ बाउंड्री लगा रहे हैं और 5 बॉलर रोक ले रहे हैं। वो इस ऐसे आप सोच रहे वो कैसे कि 4 रन मार दी चलो ओवर का तो निकल गया, लेकिन नहीं, वो ऐसे कि एक ही बॉलर को आपको, एक ही बैट्समैन को, उसी सेम बैट्समैन को 5 बार आउट करने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक बॉल में चौका खाने के बाद 5 बॉल आप ही को डाल, लेकिन अगर आप वहां पर सिंगल दे दें तो फिर बॉलर को फिर से देखना पड़ेगा, अरे अब देखो इसका स्टैंड कैसे करता है, ये मूवमेंट कैसे करता है, उतने में 2-3 बॉलें और निकल जाती है और ओवर कंप्लीट हो जाता है। ये फर्क है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है ये प्लेयर्स को अभी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके हम वही कहेंगे जो प्लेयर्स काफी वक्त से खेल रहे हैं वो अभी तक इस बेसिक्स पे भी कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पाए या अपने पहरानी। उसके बाद कुशल मल्ला बैटिंग करने के लिए आए, वही अपने अंदाज में उन्होंने हिटिंग करना चालू किया, और उसके बाद वो एक और काफी थोड़ी अच्छी खासी हाइट पे आई, मारने गए, और वो भी कहीं ना कहीं प्ले डाउन हो गए और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। तो स्ट्राइक पे, क्लीन स्ट्राइक पे आपको भी कहीं ना कहीं पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अब वो चीज आ रही है, 20-25 रन करना, वो करना, और उसके बाद लगातार मैचेस में अगर वही सिर्फ 20-25-15-17 ही रह जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में थोड़ा सा अपने आप की क्लीन स्ट्राइक पे की एबिलिटी को हमें दर्शाने लग जाता है, खास करके जब आप अवेज में जाते हैं। उसके बाद पवन श्रॉफ आए, वो पता नहीं आउट था या नहीं था, वो हेलमेट पे लगी थी या ग्लव छू के गई थी उस शॉट में, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट बॉल से पूरा चकमा खा गए। वही हम आपसे कहेंगे डक करना सीखिए, क्योंकि इस तरह के मोमेंट पे एक और शॉर्ट बॉल्स में एक और बहुत बेहतरीन हथियार होता है, वो है पेशेंस के साथ बॉल्स को लगातार डक करते जाना। एक ना एक टाइम पे बॉलर भी फ्रस्ट्रेट होगा और साथ साथ में रूल्स भी होते हैं, तो इतने ज्यादा वो आपको डाल सकते नहीं, वो बहुत पेशेंस लेवल का काम होता है डक करना, जो इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो आर्ट है, अगर आप अपने अंदर ला पाए तो बेहतर होगा। उसके बाद एन सोमपाल और प्रदीप जी की इनिंग, खास करके सोमपाल की जो इनिंग रही है वो क्या शानदार रही है, बेहतरीन इनिंग रही है, किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? ये ओवरऑल बेस्ट है, अगर आप देखेंगे, अगर आज के पूरे टीम में अगर आप इसको देखें तो सबसे बेस्ट इनिंग कहीं ना कहीं ये है पूरे इमर्जिंग एशिया कप में, ये इस वाले में एशियाड की तरफ से अब तक की सबसे बेहतरीन इनिंग। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत बेहतरीन इनिंग है, 100 बॉलें उन्होंने खेली है, एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, फालतू शॉट्स नहीं लगाए उन्होंने, रिस्क ज़्यादा नहीं लिए, क्लिनिकल बाउंड्रीज भी उन्होंने लगाई है, देखिए आप 9 चौके 2 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं, सिंगल्स वगैरह लिए, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेके खेले हैं वो। प्रदीप जी सी ने थोड़ा साथ अच्छा दिया उनका, वहाँ पार्टनरशिप जमी, एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, थोड़ा नीचे आकर वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, चिपिन काफ़ी बेटर कर लेते हैं। डेली क्रिकेट हमेशा से ये कहता है कि अब वो बदल गया है वक्त, जहाँ बॉलर्स खाली बॉलिंग पर ध्यान दे और काम चल जाएगा, नहीं, डेली क्रिकेट ने हमेशा से यही कहा है कि बॉलर्स भी मिनिमम 15-20 रन जब टीम को ज़रूरत हो तो चिप इन करके जाए तो बेहतर है, और सोमवार कामी ने आज साबित भी कर दिया कि भाई अब खाली बॉलिंग से काम नहीं चलता, अब बॉलर को
बैट्समैन भी बनना पड़ता है। देखिए आज क्या इनिंग खेली है, नेपाल का हाल और हश्र क्या था, कहाँ से उठाकर कहाँ ला दिया। लग ही नहीं रहा था कि ये टीम शायद 40-50 पे 6-7 विकेट गिर गए थे और यहाँ से 179 के एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक टीम को पहुँचाया। बहुत शानदार इनिंग, बहुत शानदार इनिंग रही है, 74 की स्ट्राइक रेट से खेले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस आपके सामने लाना चाहेगा, शॉर्ट बॉल्स उन्हें भी डाली गई, शॉर्ट बॉल्स डेफिनेटली उन्हीं में डाली गई थी। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जिन्होंने बहुत ध्यान से ये चीज़ें देखी होंगी, विकेट ने चीज़ नोटिस किए, इसलिए हम आपके सामने ला रहे हैं। जब वो शॉर्ट बॉल्स पे शॉट ट्राई करते, बहुत उन्होंने भी मारे जो है शॉर्ट बॉल्स ऐसे आ रही, तो उन्होंने भी इस तरह से काफ़ी शॉट्स खेले। लेकिन आप देखिएगा उनका जो हमेशा बैट का फेस रहा है वो नीचे की तरफ गया है। जब भी उन्होंने शॉर्ट बॉल्स खेली है, जब भी उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्हें दिक्कत नहीं होती है, इससे पहले भी वो शॉर्ट बॉल में आउट हुए, लेकिन आज की डेट की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जब भी वो शॉर्ट बॉल खेल रहे थे, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका बल्ला जा रहा है ये आप जो नोटिस कर रहे हो, उनका बल्ला जा रहा था ये हवा में, यानी क्लियर है कि ये शॉट ऊपर के लिए जा रहा है। लेकिन सोमपाल कामी जब बैटिंग कर रहे थे तो उनका बल्ला जा रहा था ये, बिल्कुल इस तरह से मार गया, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस बॉल को। ये फर्क था कि बाकी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सोमपाल की इनिंग से समझना चाहिए था कि वो शॉर्ट बॉल को किस तरह से दबा रहे थे और वो और जो ऊपर के बैट्समैन है वो किस तरह से दबा रहे थे। तो ये जो फर्क है वो सोमपाल के शॉर्ट बॉल्स में, जिन्होंने सिंगल्स दिए, डबल्स दिए, पीछे बाउंड्रीज भी गई, वो तरीका कहीं ना कहीं दर्शाता है। आज की डे की बात करें, बहुत ही बेहतरीन इनिंग रही है सोमपाल को। डेफिनेटली वो धीरे धीरे अब बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में ऑलरेडी पहले भी काफी रन कर चुके थे, लेकिन बीच में एक लंबा फेस था जहां पर वो बिल्कुल टीम के लिए रन नहीं कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली अगर इस साल की बात करें तो सोमपाल ने ढेरों रन वापस से करना चालू कर दिए, जो टीम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित जरूर हो रहा है। प्रति जिसने रन किए और ओवरऑल बैटिंग में 26 रन उन्होंने भी किए और ओवरऑल एक अच्छा, और लास्ट में भी उन्होंने सिंगल निकालने के चक्कर में वो ऐसे बैटिंग करना और फ्रस्ट्रेट उस सोमपाल कामी और प्रतीक जीसी को सीनिंग ने इतना कर दिया था, वो आप इसे लगा सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के उन्हें आपस में लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। मोहम्मद वसीम फील्डिंग को लेकर कोस रहे थे, उसके बाद शाहनवाज धानी आए, तो जब उन्होंने सोमपाल का विकेट लिया फाइनली, इतना ज़्यादा गुस्सा मतलब उन्होंने फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि उनका इतना गुस्सा निकला जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप के फाइनल का कोई विकेट निकाला उन्होंने। तो ये सोमपाल कामी की जीत है और ये प्रतीक जीसी की उस पार्टनरशिप की जीत है कि उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया उस टीम को जिन्होंने आपकी 7-8 विकेट जो है 70-80 रन पर गिरा दिए थे। वेल डन सोमपाल, बहुत ही अच्छी प्रतीत साहब की भी। ये खैर बैटिंग यूनिट की बात हो गई, दोबारा वही गलतियां, कोई भी चीज़ लर्न नहीं की वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जिस तरह से आउट हुए लगभग उसी तरीके से प्लेयर्स यहाँ पर वापस से आउट हो गए। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, अगर आप ये कहते हैं, ये बहाना डालते हैं कि लड़के पेस खेलने के आदि नहीं है, तो पेस खेलने के आदि 2030 में भी नहीं होंगे जब तक आप उन्हें बाहर खेलना नहीं सिखाएंगे, बायलैटरल गेम्स में प्रैक्टिस मैचेस के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। ऐसे तो इवेंट तो 3-3, 4-4 महीने बाद आते हैं, 3-4 महीने वो फिर स्लो बॉल खेलने के आदि हो जाएंगे, फिर पेस खेलने जाएंगे, फिर बॉल हो जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। उसके बाद चलते हैं अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ, एंड बॉलिंग की यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर नेपाल के, जहाँ सीधे बॉलिंग पे चलते हैं क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग की यहाँ बात नहीं, जैसे हम जानते हैं आप एशिया पे यहाँ फोकस करते हैं, हम बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं कार्डियर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ललित राजवंशी ने थोड़ा सा इम्प्रेसिव बॉलिंग कराई है, 8.5 ओवर में 1 मेडल 50 रन 3 विकेट, क्योंकि स्कोर भी कम था और पवन शराफ ने अच्छा एक कहना होगा कि उन्हें एक अच्छा यूज़ किया, रोहित ने भी अच्छा लगाया, दोनों लेफ्टी बैट्समैन थे सामने, तो ये अच्छा प्लान था कि आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लेके रखे अपने साथ, जो साबित भी हुआ, दोनों लेफ्ट हैंडर को उन्होंने पेवेलियन वापस भेजा। सोमपाल कामी शुरू में कुछ बॉल उन्होंने अच्छी डाली, 5 ओवर में 29 रन 0 विकेट नहीं मिला, लेकिन कुछ इस पर अच्छे डाले उन्होंने, पर खाली हाथ रहे। प्रतीक जिसी 4 ओवर में 26 रन उन्होंने भी दिए पर वो भी खाली हाथ रहे, तो पेसर्स से यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक आध विकेट का हेल्प मिलता तो शायद ये चीज़ें और गड़बड़ा जाती पाकिस्तान के लिए, ये चेस थोड़ा सा डगमगा जाता उनके लिए, लेकिन स्पिनर्स पर ही पूरा भार आ गया और थोड़ा वक्त देर बाद विकेट मिले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया विकेट गिरने में, इतना स्मॉल टारगेट है, जितना कोशिश कर सकते थे बॉलर उन्होंने की है, खासकर पवन, ललित ने, कुशल मल्ला ने भी 6 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला है। पर ओवरऑल अगर आप बॉलिंग को देखेंगे तो थोड़ा सा पेसर्स की तरफ से अगर प्रेशराइज और होता तो शायद डगमगाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती थी पाकिस्तान ए की। बिल्कुल, तो क्लियरली है कि डेफिनेटली स्कोर कम था, उसमें कोई दराय नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितना पहुंचाया था उस लिहाज से जिस तरह से स्पिनर्स ने यहाँ पर नेपाल की वापसी कराई, पेसर्स उसे कराने में नाकामयाब रहे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर
अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 13 ओवर पेसर्स ने डाले हैं और लगभग 86 रन यहाँ पर दिए हैं और कोई भी विकेट उनके हाथ लगा नहीं। यहाँ पर एन फेसेस जो गया है, दो विकेट यहाँ निकलते मैच में कुछ और बात बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल, पेसर्स उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए शुरू के 10 ओवर के फेस को। नहीं जरूर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा होना भी चाहिए था कि एक अगर विकेट मिल जाता पेसर की तरफ से, एक आध विकेट और मिल जाता तो ज़रूर यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो थोड़ा सा और प्रेशर बना पाते, टेलेंडर्स वगैरह आ जाते तो शायद चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हो जाती पाकिस्तानी साइड के लिए। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि पेसर काम नहीं कर रहे थे, तो स्पिनर्स आए, स्पिनर्स पर थोड़ा सा उनके बल्लेबाजों ने भी अच्छा खेला और थोड़ा सा देरी लगी विकेट गिराने में। कुछ शॉट खेले, हवाई फायर किया, तब जाकर विकेट मिला है नेपाल के बॉलर्स को। लेकिन बॉलें अच्छी अच्छी जगह पर रखी, कुछ बॉलें बहुत अच्छी रखी ललित ने, पवन ने, कुशल ने और सुमपाल कामी ने भी बहुत अच्छी बॉलें रखी। थोड़ा सा टारगेट और शायद ज़्यादा होता तो कुछ मौके यहाँ बन सकते थे, लेकिन इस टारगेट में भी एक आध मौके मिलने चाहिए थे यहाँ पर पेसर के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने, तो कहीं ना कहीं फिर भी इस टारगेट में नेपाल के जो स्पिनर्स ने जिस तरह से आगे बहुत अच्छी जिस तरह की कोशिश रही, उस कोशिश के आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स यहाँ पर नेपाल को जरूर देने होंगे। एक्सन ने पहले कहा 13 ओवर में 86 रन कोई विकेट नहीं, पेसर्स की तरफ से जो मामला रहा वहाँ पर थोड़ा सा 19-20 रहा, वहाँ से अगर कुछ हेल्प मिलती तो डेफिनेटली इस स्कोर को डिफेंड जो है वो करने की कोशिश और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। तो डेफिनेटली यही हाल रहा है पूरे इस मैच का। अगर हम बात करें तो जो बैट्समैन है उन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है अगर आप देखें नेपाल के, और वो और पेसर्स पे इतना भी ज़्यादा हार्स नहीं हो गया, लेकिन एक आध विकेट अगर निकालते तो बेहतर होता क्योंकि 13 ओवर में 86 रन देकर कोई विकेट ना निकालना डेफिनेटली वहाँ पर कुछ और काम हो सकता था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुलशन और सोमपाल से और ज़्यादा और प्रति से भी डेफिनेटली जरूर वहाँ पर कम से कम एक आध विकेट की वहाँ पर उम्मीद जरूर हम कर सकते थे, लेकिन बैट्समैन ने उतने रन ही नहीं कहीं ना कहीं जोड़े। वो तो सोमपाल और प्रदीश जी सिंह ने खेली, उस वजह से टीम 100 भी पार कर पाई, 150 भी पार कर पाई और हाल इससे भी बदतर टीम के हो सकते थे। तो पहले टेस्ट में कहना होगा बैट्समैन जो है इस इमर्जिंग एशिया कप में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और फेलियर रहे हैं। एक भी बैट्समैन, मैं बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सोमपाल यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं, जो बैट्समैन है टॉप सिक्स जितने भी है वो सारे के सारे कंप्लीटली फेलियर रहे। उसमें सबसे बड़ा रीजन रहा कि वही 80-90% वही बॉलों में और वही तरीके से वो आउट हुए जिस तरीके से वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लगातार देखा, और वही चीज़ें हमने वहाँ पे भी कही थी और यहाँ पे भी वही चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली कहेंगे, देखना होगा। और बेसिक्स में ही बहुत गलतियाँ हैं, पैरों में मूवमेंट नहीं, स्ट्राइक रोटेट नहीं करना, ये सब चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं टीम में। ये सब चीज़ें तो एक बेसिक होती है यहाँ पर, ये आपको हवे और होम में नहीं सिखाया जाता, ये बेसिक होता है। ये चीज़ें भी अगर आप नहीं सीख पा रहे डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़े करता है। और उम्मीद करेंगे कोच सर इन सब चीज़ों पे ध्यान जरूर दे रहे हैं कि प्लेयर्स का जो पैरों का मूवमेंट है, उसके बाद लीव में जो है पेशेंस लेवल जो है वो प्लेयर्स में कहीं ना कहीं लाने की जरूरत है, और साथ साथ में फील्डिंग को देखने की जरूरत है, फील्डिंग कहाँ पर ली गई है, क्या ली गई है। जैसे वो अर्जुन की आपने बात की, उन्होंने एक सिक्स लगाया, उन्होंने वापस से वो ट्राई किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि कहीं फील्डिंग वगैरह चेंज तो नहीं कर दिए, कहीं मैं किसी प्लान के तहत तो नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद भीम शार की भी जो मेरे ख्याल से बोल्ड हुए थे, वहाँ पे मोहम्मद जूनियर का शायद रुमाल गिरा था, बिल्कुल बिल्कुल शायद वही थे, भीम शाह की थे शायद, जी हां उनका रुमाल गिरा था, वो चीजें वहां पर वो डेफिनेटली हट सकते थे, वहां पर हट जाते कि कोई बात नहीं, वो बॉल कहीं ना कहीं रहती है। छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जहां पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट मैच में ये हमें चीजें, नेक्स्ट मैच शायद यूएई के साथ है, अगर यूएई के साथ है तो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पर मैच आसान हो जाएगा। इंडिया के साथ जब होगा तब वहां पर देखेंगे कि लड़के क्या कुछ सीखे हैं, यूएई के साथ तो वैसी चीजें बहुत आसान हो जाती है। खैर अब अगर बात करें यूएई की, इंडिया नेपाल के मैच की क्या बात होगी, यूएई की अगर बात करें बैटिंग का पूरा जो हाल रहा है वो पूरी तरह से ये आपके सामने स्कोर कार्ड है। जो बैटिंग का एंड यूएई का हाल रहा है वो क्या कहते हैं आप इस पूरी बैटिंग यूनिट को देखकर, टीम ने अगर हम देखें लगभग 50 ओवर पूरे यहाँ पर बैटिंग जरूर की है, और बस पूरे मैच में यही एक चीज, एक बॉक्स छोटा सा टिक हुआ है 50 ओवर पूरे बैटिंग करना, जब उसके अलावा बैटिंग, हाँ ये आप चीज जरूर कह सकते हैं कि एकलौती ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने सच में ए साइड के नाम पर ए साइड ही उतारी है। सब एकदम नए लड़के हैं, डोमेस्टिक खेले हुए और एक आध दो दो तीन तीन मैचेस अपने नेशनल में डेब्यू किए हुए, ये पूरी तरह से प्रॉपर डोमेस्टिक ए साइड डेफिनेटली लग रही थी, तो इनके लिए लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन 50 ओवर टीम ने बैटिंग जरूर की, लेकिन फिर भी एन ये इनिंग्स आप किस तरह से देखेंगे, जहां पर आर्यन शर्मा की इनिंग काफी अच्छी रही, 40 बॉलों में नई बॉल से वो खेल रहे थे, प्लेयर को मूवमेंट मिल रही थी बॉल्स को, उसके बावजूद 38 की इनिंग खेली, वो एक इनिंग अच्छी रही। सीधे उसके बाद लगातार सारे फ्लॉप गए, 0-5, 2, उसके बाद 10 रन अली नासिर आउट हुए,
संजीत शर्मा दो रन पे आउट हुए। ये जो अश्वंत वलथप्पा 46 107 बॉल और 88 बॉलों में 35 रन, इस इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? हद से ज्यादा स्लो इनिंग नहीं हो गई? नहीं जरूर, देखिए खुद के प्लेयर जब 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं आपके, तो फिर ये बल्लेबाजी किस काम की है? आप अपने ही एक और मैच में जाकर देखिए, नज़र घुमाइएगा इस मैच खत्म होने के बाद, वलथप्पा और फराजुद्दीन से ये दिल्ली क्रिकेट कहेगा कि आप दूसरे मैच को देखिएगा जो नेपाल वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वहाँ पे सोमपाल कामी ने भी 100 बॉलों में 75 कर दिए थे। बिल्कुल, तो इतने ही देर में आपने खेला। और एक चीज़ तो साफ है, इस इनिंग से सीखना तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से आप नहीं लर्न करेंगे। 100 बॉलें आपने खेली है, 46 रन आपने बनाए हैं आराम से। जब आप ऊपर के बल्लेबाज हैं, आपको स्ट्राइक रेट को भी ध्यान में रखना है। आप कोई बॉलर नहीं है जो अरे टिकने के लिए मुझे भेजा है। जब बॉलर को ये बोला जाता है कि भाई टिकने के लिए भेजा है, टिक जाना ठीक है, तो वो 200 बॉल भी खेल ले तो अभी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भैया, हाँ मुझे तो टिकने का काम है ना, मुझे थोड़ी ना रन बनाने, रन तो मुझे बनाने हैं उस बल्लेबाज को जो मेरे साथ खेल रहे हैं। और आप हैं बल्लेबाज, ऊपर के बैट्समैन, टॉप चार में आप आ रहे हैं और ऐसा क्रिकेट खेल के जा रहे हैं, 100 बॉलों में 40 रन। ये कोई टेस्ट मैच चल रहा है? टेस्ट मैच अगर चलता तो वंडरफुल इनिंग है आपकी, कमाल की इनिंग है अगर आप डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में जहाँ टीम का इतना बुरा हाल नहीं है, टीम का इतना बुरा भी हाल नहीं है कि टीम 5-6 विकेट गिर गए हो तब आप आए हो, तो अजीब सा क्रिकेट लगता है कि और अगर विकेट गिर भी गए हो, अगर गिर भी गए, आपसे जैसे हम लगातार हमने एनालिसिस में कहते हैं, अगर विकेट गिर भी गए, मान लीजिए 3-4 विकेट हो भी गए थे, प्रेशर आप पे है भी, तो डेफिनेटली आप उस वक्त इनिंग को लेकर जाइए, लेकिन एक वक्त में जाकर स्ट्राइक रेट को आपको आगे बढ़ाकर मेंटेन भी करना है। वो सब आगे बढ़ाकर तो ले गए, वो बढ़ाते ही लेके चले गए, मेंटेन जैसा कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं उनकी बैटिंग। ये अजीब सी इनिंग लगती है। देखिए इससे ये चीज़ें कर अगर आप ऐसे खेलेंगे क्रिकेट को, 50 ओवर को आप मजाक समझ के रखेंगे कि पहले 50 ओवर खेल लो कर लो, लेकिन नहीं, आपका शायद यही इंटेंट रहा होगा, ये इंटेंट रहा होगा कि बस 50 ओवर बल्लेबाजी करना, जीतने का या फाउट देने का, हार्ड फाउट देने का कोई इंटेंट नहीं रहा था यहाँ यूएई के बल्लेबाजों का। ऐसा क्रिकेट खेलना कि हाँ समझ में आता कि हाँ, ये तब समझ में आता जब सामने अगर कोई बिग बिग टीम की बॉलिंग है, नेशनल की मेन टीम की बॉलिंग है, और आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ग्राउंड पे या साउथ अफ्रीका के डरबन या जॉन्सबर्ग में, तो समझ में आ जाता कि हाँ भाई खड़ा होना ही मुश्किल है। जहाँ आपने 100 बॉलें खेलनी, 50 ओवर खेल लिए, तो हैट्स ऑफ है आपको सच में। अब आप खेल रहे हैं श्रीलंका की ऐसी पिच पर जहाँ पर बॉल उछलेगी यहाँ तक खाली बस, और अच्छी बाउंसर पड़ गई तो शायद हेलमेट तक आ जाए। ऐसी पिचों पर इस तरीके की बल्लेबाजी बिल्कुल ख़राब बल्लेबाजी है। ये किसी भी तरीके से आपके पीठ पर एक तारीफ के लायक नहीं है कि वाह क्या खेल के आए हैं। बिल्कुल, और यार ये देखिए 107 बॉलें खेली है अश्वंत वलथप्पा ने, एक भी बाउंड्री नहीं, बताइए एक बाउंड्री नहीं लगाई। 107 गेंदों में आप एक बैट्समैन होकर आप एक बार उस बॉल को बाउंड्री तक टच नहीं करा पाए, आप सोचिए कि कितनी खराब शॉट क्या खेल रही है। और फिर जब उन्हें स्ट्राइक रेट जब 47-48 ओवर में जब उन्हें स्ट्राइक रेट को बढ़ाना था, ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, 47 ओवर में स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, बढ़ाना था तो 38 भी प्लेयर से बाहर नहीं हुआ और कैच हो गए और वो आउट हो गए। इतनी खराब इनिंग, और वही हाल यहाँ पर फराजुद्दीन का भी रहा है। 88 बॉलों में उन्होंने 35 रन बनाए, 88 बॉलों में सिर्फ दो बार वो बाउंड्री को टच करा पाए, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं बाउंड्री तक पहुंचे नहीं है। आप स्ट्राइक रेट देखिए, 39 की स्ट्राइक रेट एक बैट्समैन की, दूसरे की 42 की स्ट्राइक रेट। ये किसी भी सूरत में एक अच्छी इनिंग किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। आप दोनों ने मिलकर लगभग 190 बॉलें 195 बॉलें खेली है, और रन अगर दोनों का हम देखें तो दोनों ने लगभग किए हैं यहाँ पर 80 करीब रन यहाँ पर छोड़े हैं। 195 बॉलों में बाउंड्री लगाई है सिर्फ दो, बताइए इसमें आप क्या लर्न कर रहे हैं, क्या आपने सीखा, वो तो आप ही जानते हैं। क्योंकि इस तरह से तो आप टेस्ट क्रिकेट सीख सकते हैं, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रेट शुरू में आप प्रेशर में है, चलिए 20 बॉल 30 बॉल आपने खेल ली, लेकिन आपको आगे जाकर स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा, 80-90 तक जाना है, पहुंचाना पड़ेगा, वो उसके आधा ही आधा दोनों का भी रह गया। तो बैटिंग का यूनिट पूरा आपके सामने यही हाल रहा है, और इसी तरह से यूएई ने पूरी तरह से जो टीम है ढेर हो गई, इतने ओवर बैटिंग कर भी टीम सिर्फ 157-160 तक ही कहीं ना कहीं सिमट कर रह गई, तो ये यूएई का हाल रहा। उसके बाद ये इंडिया ने बहुत ही कंफर्टेबली इस चेज को यहाँ पर कंप्लीट किया, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही आज के अपने अपने मैचेस यहाँ पर जीत लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें
तो एशियंस की तरफ से सबसे बेहतरीन इनिंग अभी तक की अगर कोई आई है निकलकर तो वह है सोमपाल कामी की, जो आज बुन के बल्ले से निकली तीनों मैचेस मिला के ओमान, यूएई और नेपाल के। और अगर हम सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की यहाँ बात करें तो डेफिनेटली ललित राजवंशी का जो स्पेल था वो भी अच्छा था, पवन श्रॉफ का जो फर्स्ट स्पेल में इस्तेमाल किया गया वो बेहतर था, तो वहाँ पर दो विकेट भी कहीं ना कहीं निकाले गए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वही लगातार चीज़ हम जो लगातार कहते आए हैं वही यहाँ पर चीज़ है, लड़कों को लर्न जो है वो थोड़ा जल्दी और बेहतर तरीके से अडॉप्ट करने की जरूरत है। एक ही गलती पे बार बार वही गलती करना वो फिर गलती नहीं, वो एक आदत होती जाती है जो फिर आपके साथ लगातार चलती रहेगी लाइफ टाइम तक। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है।